हेलो एवरीवन। तो आज फिर हम दोनों का बुलावा आए हैं बाबा के दरबार से, बाबा के दरबार से। आवाज़ नहीं आई होगी तो घर से बोल रही हूँ। आज हम दोनों का बुलावा आया है बाबा के दरबार से, तो हम दोनों सलामी देने जा रहे हैं। और आप सभी को पता है मैं किन के इधर बार बार जाती हूँ, जहाँ से मेरा बार बार दरबार होता है, तो वो है मेरी सरकार शुक्रिंदा शाह बाबा रहमतुल्ला अलैह। तो हम निकले तो रास्ते में, पहले हम निकले तो धूप थी, फिर थोड़ा दूर है कहाँ पर है तो इतनी दूर थी, घटा छाई हुई थी और बरसात आई कि हमने ये रिक्शा की पर्दे खोल दिए, पर्दे खोल दिए यहाँ पर। तो बारिश तो बरसात ने हमको चकमा दी और उसके बाद इतनी तेज धूप नहीं थी कि गर्मी शुरू हो गई, जैसे कि हमारे मुंबई में होता है कि हमेशा गर्मी होती है, बारह महीने गर्मी है, सर्दी में भी गर्मी, बरसात में भी, और गर्मी में तो गर्मी में तो गर्मी है ही, सर्दी गर्मी में बरसात में भी गर्मी। तो ऐसा हो गया हमारे साथ कि बारिश में चकमा दी। तो अभी बस ऑन द वे है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो अंदर हम, मैं सलामी देके आ चुकी हूँ, ये अभी साथ में जाएगी, ये सलामी देगी। मैंने चादर चढ़ाने दे दी हैं और जो मुजावर हैं यहाँ के उनको। और अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि हमने पिछली दफ़ा हम आए थे तो कबूतरों को दाना नहीं खिला सके थे और वो काम हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब बाबा के यहाँ आए हैं तो पहले कबूतरों को सोच रहे हैं दाना खिला दें, सलामी मैंने दे दी है, अब हम वापस जाकर उनको दाना खिलाएँ और वापस जाकर अंदर बैठ के दुआएँ करेंगे। ये हम पहुंच गए, जो मेरी जान है, मेरे शुक्र अल्लाह शाह बाबा, मेरे सरकार, मेरे सब कुछ और मुझे सब कुछ अता करने वाले और यही अता करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं इनके दरबार में सुकून भरे माहौल में और उनको मैंने सलामी दे दी है, चादर दे दी है चढ़ाने के लिए जो मुजावर हैं यहाँ के। और अब मैं बैठी हूँ, पिछली बार मैं कबूतरों को दाना नहीं खिला सकी थी तो इस बार सोच रही हूँ पहले दाना खिला दूँगी, फिर अंदर जाके हमको दुआएं करनी है और सुकून से बैठना है एक आधा पौना घंटा। मैं क्या बोला, मेरा हाथ पहली गिर गई सुकून इंतजार से दिखे ये आपके तुम गलत बना रहे हो, मैं तो रील डालना है इसलिए मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था। तो कैमरा बना के दे, फिलहाल तो मैं सभी का उतार ले रही हूँ। अच्छा सिर्फ ये दाना तो डालो, मैं खुद एक शॉट ही लूँगी, डालो ना प्लीज़, देखो दोनों खा रहे तो मुझे तो दादी ने दाना खाते हुए, क्योंकि पिछली बार नहीं तो हमको सुकून नहीं मिला था, इनको दाना नहीं खिलाया था तो अब सुकून मिल रहा है जो वो दाना खाते देखकर। वो ज़्यादा भूखे उनको, पीछे ही पीछे दाल में तो बोल गई अम्मी, और एक खड़ा वीडियो भी लेना मेरे लिए। सबको लाना, पीछे वाले कबूतरों को डालना तो वहाँ लोगों ने ख़त्म भी कर दी बेचारे लोग, यहाँ पीछे ही डाला, सारा पीछे डालना, आगे नहीं डालना, अभी लोग को पीछे डाल दिखाए वापस। क्योंकि वो भूखे हैं इसलिए तेरा मुँह थोड़ा बीच में बहुत सीधी डाल रहा अंदर चलने तो वरना जगह नहीं मिलेगी। तो ये अब हम लोग कबूतरों को दाना खिला रहे हैं और थोड़ा सुकून आया क्योंकि पिछली दफ़ा ये मौका नहीं मिला था, और अभी कबूतर दाना खा रहे हैं, इसके बाद हम फिर से अंदर दरगाह के अंदर जाएंगे। तो ये यहाँ पर दोपहर की नमाज़ हो रही है और शुक्रिया शाह बाबा के दरबार में, और हम बाहर बैठे हैं बाहर आकर क्योंकि हमको दुआ करवानी है और फिर जाना है। तो जो मुजावर साहब हैं वो नमाज में मशगूल हैं सबके साथ में, तो हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे बाबा का, मेरे सरकार का गुंबद जो है वो अजमेर वाले बाबा के तरह मतलब नज़र आ रहा है, तो बस यहाँ बैठ के ये भी दुआ की है, अजमेर के लिए भी दुआ की है। तो मुझे तो यकीन है कि ये कर देंगे, अजमेर जाने का भी मेरे बाबा कर देंगे। तो बस दुआ है कि सुकून और शांति बनी रहे। बस अब हम जाएंगे, एक आधा घंटे के लिए रुके हैं, बस अब जाएंगे इसके बाद में इंशाल्लाह घर की तरफ। और नमाज़ हो रही है, नमाज के बाद में हम सोच रहे हैं थोड़ी दुआ करवा लें
हाँ तो नमाज होती है, हम अंदर जाएंगे, सलाम करेंगे बाबा को, फिर आने की दरख्वास्त करेंगे, थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से हमको बुलाते रहिए हमेशा हमेशा ज़िंदगी भर, और सेहत के साथ में तंदुरुस्ती के साथ में हमारी तमाम दुआएं भी कबूल कीजिए, हमको सेहत तंदुरुस्ती दीजिए, और उसके बाद में इंशाल्लाह फिर निकल के रवाना होंगे घर की तरफ, तो फिर मिलती हूँ। देखेंगे तो चलाएंगे, तो जल्दी से उठा लिए, अभी है नहीं वो भाई, है नहीं। तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वाला बोलने मुश्किल लग रहा है। मुझे जींसें तुम लोग के बराबर की दिख रही है, अच्छी तो कुर्ती की प्राइस क्या है? वो ब्लू कलर की है, अरे अच्छी है। तो ये कॉफ़ी हमने पी के ख़त्म की, क्योंकि जब हम बाबा जान के यहाँ से आए थे शाम में, तब हमने सैंडविच खाया था, तब से अब तक हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अब भी ये पी लिया, अब रात में खाना नहीं खाना, यही सोचा कि अब खाना नहीं खाना है, और ये पी के हो गया बस, मेरा तो रात का खाना ही हो गया, ये पेट भर गया एकदम, इसलिए अब कुछ नहीं खाना है। तो माशाल्लाह से दरगाह पे हो आए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह जो करनी थी रास्ते से वो भी कर ली है, और स्टारबक्स की कॉफ़ी भी पी ली है, तो अब रात का तो खाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि रात को खाना नहीं खाना, कॉफ़ी काफ़ी है, या अगर लगा तो थोड़ा बहुत देखा जाएगा, वैसे तो ना का इरादा है। और फिर ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह।